इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। किसान और मजदूरों की समस्याओं एवं मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा किसान मजदूर बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जहां शुक्रवार को यात्रा इंदौर पहुंची। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के रिपोर्ट कार्ड किसानों के बीच ले जाते हुए किसानों को जागरूक करने का कार्य किसान मजदूर बचाओ यात्रा कर रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार कक्का जी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों और मजदूरों की समस्याओं और मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा का शुभारम्भ विगत 3 अक्टूबर 2023 को किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल 13 राज्यों से पधारे विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया गया। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दिन एक रथ रवाना किया है, 750 किसान जो दिल्ली में शहीद हुए, 6 किसान मंदसौर गोलीकांड में शहीद हुए, 1 बरेली में हुआ, 5 लखीमपुर खीरी में हुए। इन शहीदों के नाम पर ये हमने रथ का नाम रखा है, उसको डेकोरेट किया। ये रथ 52 जिलों में, अभी 44वां जिला इंदौर है। बघेलखंड बुदेलखंड हो काफ़ी आ गया, केवल मालवा निमाड़ता पैंच बचा हुआ। 10 नवंबर को हमारा समापन होगा सोनकच्छ में, पीसी हम एक लेंगे देवास में। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी संगठन का ये होना चाहिए, हमारा मुक्का भी वही है कि किसान को जागृत करना, अवेयर करना। और अगर किसान जागृत हो गया तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, इसके बाद हमारा काम नहीं बचता है। किसान के अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, ये बताना, और साथ में उसको वर्तमान सरकार जो 18 साल 7 महीने रही है इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है उसका रिपोर्ट बताना, उनके सामने रखना। वोट किसे देना है ये हमारा विषय नहीं है, हम केवल आईना दिखाते हैं सरकारों का कि ये सरकारों ने किया है। निर्णय वो अपने विवेक से लें, जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। सरकार कौन की है ये हमारा सोचने का बिल्कुल विषय नहीं है, और जो हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, हम पर अत्याचार करेगी, उसका हम सामूहिक बहस करेंगे। किसने आपका सबसे ज़्यादा दमन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्तमान सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, इन दोनों सरकारों ने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दमन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये लेकर आए, RCEP ये लेकर आए, 3 काले कानून ये लेकर आए, मंदसौर गोलीकांड के केस वापस लेंगे, एक केस वापस नहीं लिया, 1,48,000 मुकदमे दिल्ली में हमारे धरने पर हुए, एक वापस नहीं लिया, 750 किसान शहीदों को नौकरी देंगे, परिवार को मुआवजा देंगे, एक को नहीं दिया। और इतना बड़ा आंदोलन भी इतिहास में विश्व में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा दिल्ली में हुआ किसान को।